आमच्या स्वानंद न्यूज चॅनलला सबस्क्राइब करा, बेल आयकॉन दाबा आणि पहा स्वानंद न्यूजचे व्हिडिओ सर्वात आधी आपल्या मोबाईलवर. नमस्कार, मी सरिता पवार, स्वानंद न्यूज मध्ये आपले स्वागत. चर्चा तर होणारच. अपंगत्वावर मात करत उल्हासनगरातील तरुणी रिया गिडवाणी हिने समाजापुढे एक वेगळाच आदर्श निर्माण केलाय. या तरुणीचं सर्व स्तरातून कौतुक केलं जात आहे. काय केलं आहे रिया गिडवाणीने हे आपण जाणून घेणार आहोत या रिपोर्ट मधून. उल्हासनगर कॅम्प 3 मधील पवई येथील शिवविश्व शांतीधाम मध्ये रिया गिडवाणी नामक तरुणीने आपल्या गॉड्स ओवन हॉलिस्टिक हेल्थ केअरच्या माध्यमातून समाजासमोर नवीन आदर्श निर्माण केला आहे. दोन्ही पायांनी अपंगत्व असलेल्या रियाने आपल्या जिद्द आणि चिकाटीच्या जोरावर स्वप्नांची पूर्तता केली आणि अपंग व्यक्ती काय करू शकतो हे तिने तिच्या या हेल्थ केअर सेंटरच्या माध्यमातून दाखवून दिले आहे. याविषयीची संकल्पना आपण तिच्याकडूनच जाणून घेऊ. सबसे पहले तो ओम नमः शिवाय. आप सभी को पता है शिवधाम पवई चौक 2 साल से लाइट नहीं कर रहा, तो हमने आपको प्रॉमिस किया था कि शहरवासियों को लाइफ के बदले लाइफ देने का हमने वादा किया था. उसी वादे के तहत हमने ये हेल्थ सेंटर खोला है जहाँ मिनिमम रेट्स पर हम कोई भी फिजिकल बॉडी में कोई भी शरीर का कोई भी दर्द होगा एक्यूप्रेशर स्टीम वैक्स थेरेपी से ठीक करेंगे और आपके मानसिक तनाव के लिए मानसिक परेशानी, रिलेशनशिप में इश्यूज, शादी में प्रॉब्लम है, उन सब के लिए हम काउंसलिंग भी मिनिमम रेट्स पर करेंगे और पर्सनलाइज मेडिटेशन सेशंस रखेंगे जो आपको सूट करे, जो आपके लिए बेहतरीन काम करे वो सेशंस रखेंगे. ग्रुप सेशंस नहीं होंगे, इंडिविजुअलाइज होंगे. इतना सब आपको मिनिमम रेट्स पर मिलेगा. तो मैं आप सबसे विनंती करती हूँ कि आप आइए, इसका लाभ उठाइए और जितना प्यार आपने शिवधाम को दिया है आज तक उससे भी कहीं ज़्यादा प्यार आप इस सेंटर को दीजिए और आकर अपने स्वास्थ्य की परवाह अपने प्रियजनों को भी लेकर आइए. ओम नमः शिवाय. जो होगा वो 3 से 7 बजे तक होगा. फ्राइडे को हम लोग क्लोज्ड है, बाकी सभी दिन आपको सेवाएं मिलती रहेंगी. ओम नमः शिवाय. रिया गिडवाणी यांच्या परिवारातर्फे सुरू केलेल्या या विशेष आरोग्य केंद्रात प्रत्येक व्यक्तीला तणावमुक्त शांतता मिळू शकते यावर पर्यावरण प्रेमी शशिकांत दायमा यांनी देखील प्रतिक्रिया नोंदवल्या आहेत. हेल्थ को लेकर एक जुनून और एक जोश क्या होता है और हेल्थ किसे कहते हैं, अपना हेल्थ कैसे मेंटेन करना चाहिए, या अगर कोई सीखे तो वो हमारी बहन, हमारी बेटी रिया गिडवाणी से सीखे, क्योंकि इस बच्ची ने जो उल्लासनगर वालों के लिए एक मिसाल कायम की है, इस बच्ची ने ये बता दिया है कि इंसान अगर चाहे और उसके ऊपर शिव की असीम कृपा हो, ईश्वर की असीम कृपा हो इंसान के ऊपर, और इंसान की इच्छा शक्ति अगर हो तो वो क्या नहीं कर सकता, इस बच्ची ने ये बता दिया है. इस शहर को एक स्वस्थ शहर बनाने के लिए, एक सुंदर शहर बनाने के लिए, एक आध्यात्मिक शहर बनाने के लिए दीपक गिडवाणी जी और रिया गिडवाणी जी और उनका पूरा परिवार, हमारी भाभी जी का नाम मुझे पता नहीं है, ये शिवधाम के नाम से इन्होंने एक बहुत अच्छा शक्तिपीठ हमारे उल्लासनगर को दिया हुआ है और आज उन्होंने शुरुआत की है कि उन्होंने एक हेल्थ सेंटर का उद्घाटन किया है और उस हेल्थ सेंटर में बहुत कम दाम में जो लोग आएंगे उनके लिए वो सारी सुविधाएँ उपलब्ध करा के देंगे जिससे कि वो लोग सेहतमंद बने. फिर से कहना चाहूँगा कि अगर किसी बच्ची को या किसी लड़की को या किसी युवा को उल्लासनगर में अगर कुछ सीखना है तो वो सिर्फ और सिर्फ रिया गिडवाणी से ही सीखे, क्योंकि ये बच्ची ने हमारे शहर के लिए एक बहुत अच्छा मिसाल कायम. या हेल्थ केअरचे उद्घाटन झाल्यानंतर काही दिवसातच कल्याण लोकसभेचे खासदार डॉक्टर श्रीकांत शिंदे यांनी देखील या केंद्राला भेट देऊन रिया गिडवाणींचे कौतुक केले. खासदारांनंतर उल्हासनगर शिवसेना शहर प्रमुख राजेंद्र चौधरी, 141 विधानसभा संघटक सागर उटवाल यांनी सुद्धा रियाचे कौतुक करून शुभेच्छा दिल्या. आमच्या स्वानंद न्यूज चॅनलला सबस्क्राइब करा, बेल आयकॉन दाबा आणि पहा स्वानंद न्यूजचे व्हिडिओ सर्वात आधी आपल्या मोबाईलवर.